होंगे, आप चल रहे हैं अभी तो आंकड़ों में। मुझे लगता है वो टीवी नहीं देख पा रहे हैं किशोर जी, और यही एक वजह हो सकती है। जो गुलदस्ते खरीदे गए होंगे उन गुलदस्तों को भेंट तो करना है, और आपके अगर इस तरीके के रुझान में पहले पहले ही भेंट कर दिए जाएंगे तो ज़्यादा जल्दी अच्छा होगा उनके लिए, अपने अपने काम पर लगेंगे बाद में। हम देखिए, ये बात कांग्रेस को भी मालूम है, और ये बात आपने देखा जिस तरीके के एग्जिट पोल आए हैं, जैसे ओपिनियन पोल आ रहे हैं, और जो मैं कहता हूँ कि जो ज़मीनी हकीकत है, जिस हकीकत के तहत इस बात का एहसास कर लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी तीनों ही राज्यों के अंदर सरकार बनाने जा रही है, उसी का नतीजा है कि आपको दिख रहा है कि अलग अलग रूप में अभी कहीं गुलदस्ते दिए जा रहे हैं। अभी तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में आगे चल रही है बीजेपी, छत्तीसगढ़ में नहीं दिख रहा है। जी 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 जी, इस टेबल के हिसाब 84 और 67 है, तो 2003 में राजस्थान में, जी 2003 में सबसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस कांग्रेस का था जब हारी थी 53 सीट, तो 67। अब ये हारने वाले परफॉर्मेंस देखते रहते हैं कि हारी कितनी सीटों से, समीक्षा कर रहा हूँ। देखिए 67 सीट, यानी अशोक गहलोत ने जो अमिताभ सर ने कहा काफी रिकवर किया है विगत 6 महीनों में, तो ये अशोक गहलोत कहेंगे सही बात है। इंडिविजुअल अशोक गहलोत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जब से शुरुआत करी है समीक्षा हार से शुरू की है। और देखिए कौशिक जी परेशान, देखिए ये पक्षकार है, हम पत्रकार हैं, कौशिक जी परेशान है इनकी बात से कि तुमने शुरुआत ही जो हार से करी है और हार नजर आ रही है। देखिए एक चीज मैं लगातार बार बार कह रहा हूँ मध्य प्रदेश के परिणाम को लेके, कि अभी भी आप देखिए कि जो सिंधिया का पूरा गढ़ है, यानी कि जहाँ पे उनका महल है वहाँ पे उनकी मामी जी खड़ी हुई है, वहाँ से भी वो पीछे चल रही हैं, तो ये, और फिर भी कांग्रेस आगे नहीं। अब सिंधिया, अब फिर ये क्या नहीं, मतलब सिंधिया, अगर सिंधिया फैक्टर से भी आपको फायदा नहीं हुआ, ग्वालियर चंबल संभाग में अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं करेगी तो 150 के आंकड़े कहाँ से आ सकते हैं? कोई हमें समझा दे कोई कि बिना ग्वालियर चंबल संभाग में असंभव वाली स्थिति है ये, इसलिए अभी अभी लोगों को देखना पड़ेगा। और एक चीज मैं बार बार कहूंगा, इनको 2018 का परिणाम नहीं पता है जहाँ पर क्लीन स्वीप किया था लास्ट टाइम कांग्रेस ने, अगर वहां पर आप जो बीजेपी बढ़त बनाती है पूर्व की जो टैली है उसमें, तो इसका मतलब ये है कि आप बाहर हो रहे हैं गेम से। और जो मैं आदिवासी फैक्टर की बात कर रहा हूँ, अभी आप देखिए 33 में से 12 सिर्फ जो छत्तीसगढ़ में आ रही है, उसमें जो आप देखिए 4 में जो बीजेपी मतलब लीड कर रही है, तो जैसे आगे ये बढ़ेगा मैं आश्वस्त हूँ पूरी तरीके से। और आदिवासी फैक्टर राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, और महिला फैक्टर, ये दो डिसाइसिव फैक्टर होंगे, तो ये चलने पे आप ये देखिए बीजेपी तीनों में जो सरकार बनाती है। पिछली बार जो आदिवासी सीटें जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जीती थी उनमें से 4 पर अभी नुकसान हो रहा है। देखिए 12 सीटों का भी रुझान आया है, 33 में से 7 कांग्रेस के पक्ष में, 5 बीजेपी के पक्ष में, लेकिन 7 जो कांग्रेस के पक्ष में है उसमें वो उससे पहले 11 थी, तो वो 4 वहां से माइनस हो रही है। मैंने कहा ये शुरुआती रुझान है, लेकिन मैं एक चीज बड़े स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, जब उल्टा हो रहा तो शुरुआती हो जाते हैं, अब कहां से उल्टा, अब शुरुआती कहां, अब मेरी बात सुन लीजिए, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भी पिक्चर बदलेगी, पिक्चर अभी बाकी है निश्चित तौर पर। मध्य प्रदेश में हमारी जीत हो रही है 101%, और लगभग लगभग बराबर आंकड़े दिख रहे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी के। 170 रुझान मध्य प्रदेश में आए हैं, 168 राजस्थान में आए हैं, राजस्थान में 94 बीजेपी 72 कांग्रेस, वहां पर 96 बीजेपी 74 कांग्रेस। देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहाँ नेट टू नेट फाइट है और जहाँ बहुत कम मार्जिन से हार जीत होगी, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हम सरकार बना रहे हैं, और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आप देख ही रहे हैं हम आगे चल रहे हैं और हमारी सरकार वहां भी बनेगी। जेटली साहब 101 सीटों पर आगे हो गई मध्य प्रदेश में बीजेपी, 101 सीटों पर आगे हो गई, अभी 176 के रुझान आए हैं। बिल्कुल ये आगे बढ़ती चली जाएगी जिस तरीके के रुझान आपके सामने आ रहे हैं, अभी देखिए बैलेट पेपर्स हैं, रियल पिक्चर थोड़ी देर के अंदर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एनर्जी लेवल आपने देखा धीरे धीरे, और शब्दावली भी बदलती जा रही है कांग्रेसी नेताओं की, बुके जरूर लिए जा रहे हैं मैं मानता हूँ कमलनाथ जी द्वारा, लेकिन आप ये देखिए ना कमलनाथ जी का खुद का, अगर अपनी सीट भी देखेंगे तो उसके अंदर भी उनके हालात कोई पतले ही नज़र आ रहे हैं। तो जिसको आप मुख्यमंत्री का चेहरा बना रहे हैं अगर उसके हालात ख़राब हैं तो पार्टी के हालात कहाँ पर होंगे उसका अंदाज़ा लगा लीजिए। और ये राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, या छत्तीसगढ़ हो, जिसमें आपने देखा कि गाय का गोबर खरीदने के ऊपर भी इतना बड़ा घोटाला कर दिया जाए, तो ये इनोवेटिव क्रिएटिव भ्रष्टाचार के जो तरीके हैं ये जनता से अनजान नहीं है, जनता इनके बारे में बहुत बेहतर जानती है, उन्होंने महसूस किया है इस बात को कि हमारे लिए योजनाएं लेकर के आई गई
लेकिन योजनाओं का पैसा कहीं और पहुंचाया गया तो उसका रिजल्ट तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो फिर सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में क्यों शामिल हुए हैं? आपने उन सबको, आप भ्रष्टाचार पे वार करना चाह रहे हैं, तो सारे जो कांग्रेस के और जो विपक्षी पार्टी के भ्रष्टाचारी थे, जिनको आप बढ़ चढ़ करके हमेशा ये कहते थे कि भ्रष्टाचारी है, इन्होंने घोटाले किए, उनको आपने अपनी पार्टी में ले लिया, तो भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पर? यहाँ पर अगर मुद्दा होगा तो जवाब तो देने। नहीं, इसके ऊपर भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आप देखिए किशोर जी, कोई भी चुनाव होता है, सबसे पहले कांग्रेस को डाउट किसके ऊपर होता है? अपने ही विधायकों के ऊपर होता है। वो अपने विधायकों को चोर समझ लेते हैं, उनके पीछे आगे पीछे अपने लोग लगा देते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं होटल बुक करवा देते हैं, उनको बचा के छुपा के रखना चाहते हैं। तो सबसे पहली जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगली उठाने वाली कोई राजनीतिक पार्टी अगर है तो अपने विधायकों पर, वो अपनी ही पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने ही अपने विधायकों को हमेशा बोला कि बिक जाएंगे, तो जिनको अपनी पार्टी के विधायकों पर विश्वास नहीं है उनके ऊपर वहाँ की जनता कैसे विश्वास कर सकती है? तो यही एक वजह है कि एक मजबूत लीडरशिप चाहिए, एक पारदर्शी लीडरशिप चाहिए, अकाउंटेबल लीडरशिप चाहिए, और वो तीनों लीडरशिप अगर आपको देखने को मिलती हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके वाहक के रूप में काम करने वाली हमारी राज्य यूनिट के अंदर देखी जाती है।